मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ टेक आउट योर पर्स बुक एंड अवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 145. टेक आउट द पेज नंबर 145. ओके, सो टूडेज टॉपिक इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स कम, सबसे कम है ना, सबसे छोटा नंबर है ना. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या करना है, फाइंड करना है. अब एग्जांपल्स में आपको दिया है 3 और 9 का मल्टीपल निकालने को, या 3 और 9 का फैक्टर निकालने को, है ना. तो 3 और 9 का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं या मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो हमें जो नंबर कॉमन मिल रहा है दोनों में, है ना, तो वो क्या होगा, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या होगा वो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं? किसी को पता है? नो वन. सो देखो, अब इसमें क्या होता है, एलसीएम में आपके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार दिए हैं. देखो, 6 और 8. पहले 6 8 जार कितना होता है ये बताओ. 6 8 जार 42. अब इन दोनों में क्या हुआ होगा, जैसे कि 6 और 8 नंबर है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, है ना, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8. 3 और 4 हम क्या करेंगे, उसको अलग लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग नंबर है और ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, इस वजह से हमने इसको अलग लिख लिया. ठीक है, अब कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है तो उसको अलग से लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जार 12, 12 2 जार 24. एलसीएम हम इसे एलसीएम बाई कॉमन मल्टीपल्स मीन्स हम कॉमन मल्टीपल का यूज करके हम एलसीएम निकाल रहे हैं. ये एक मेथड है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे भी और भी मेथड पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये वाला मेथड याद करो. जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है उसको अलग अलग बार लिखना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका एग्जांपल्स कुछ ऐसा है. ओके, चलो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आइडिया मिलेगा हमें थोड़ा और. ओके, सो एक्सरसाइज 7.3, ये कौन सा मेथड है, लिस्टिंग द कॉमन मल्टीपल. क्या करना है हमें, लिस्टिंग द कॉमन मल्टीपल की हेल्प से हमें एलसीएम फाइंड करना है. मीन्स ये जो मेथड था ना, ये लिस्टिंग वाला मेथड था. कौन सा मेथड था, लिस्टिंग वाला मेथड. अब फर्स्ट क्या दिया है, 4 एंड 5. 4 किसके टेबल में आता है, ऑब्वियसली 2 2s are 4. देन 5 किसके टेबल में आता है, 5 1s are 5. स्टूडेंट्स, मैंने कॉमन बोला था तो ऊपर नीचे कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजू बाजू में कॉमन है तो आपने लिख दिया, ऐसी गलती मत करना. ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन होगा वो नंबर, तो ही हम उसको एक बार लिखेंगे. ओके, नहीं तो डिफरेंट ही रहेगा. ओके, सो 2 और 2 2 2, मतलब अब एलसीएम इज इक्वल टू कितने टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स. 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स. तो 2 2 जार 4, 4 5 जार 20. सो 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 0 20. ओके, समझ आया आपको स्टूडेंट्स, एक 7.3 का. अब चलो 20 एंड 25 लास्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ, 10th वाला. ओके, 20 एंड 25. अब 20 का टेबल क्या है, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20. और 25 का क्या है, 5 5 जार 25. अब दोनों में कॉमन क्या है, 5 5. तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, एलसीएम करते समय हमें कॉमन वाले को एक बार लिखना है, तो मैंने एक बार लिखा. अब 4 लिखेंगे, जो बचे हैं नंबर्स अब उसको लिख दो, है ना. सो 5 4 जार 20, 25 जार 1, कितना होगा, 25 जार 100. सो स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा, 100. क्या आएगा, 100. समझ आया स्टूडेंट्स आपको कैसे करना है ये वाला सम, होप यू अंडरस्टैंड. नाउ योर होमवर्क इज, सी योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 7.3, पेज नंबर 146. ओके,
दिस इज़ योर होमवर्क. सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.